चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आगामी 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें बागपत लोकसभा सीट भी शामिल है। लेकिन उससे ठीक पहले ही बागपत लोकसभा सीट से सरारा गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, छपरौली विधानसभा क्षेत्र के सरारा गांव में आज पंचायत बुलाई गई, जिसमें एक मत राय कर फैसला लिया गया कि वह लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और उसके पीछे की वजह बताई कि उनके गांव में आज तक विकास कार्य नहीं कराए गए। दरअसल चौगामा क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव के सरौरा में 300 से अधिक मतदाता हैं। गांव की आबादी 600 के लगभग है। ग्रामीणों का आरोप है कि बागपत लोकसभा व छपरौली विधानसभा में आने वाले इस गांव पर विधायक व सांसद की नजर नहीं पड़ती। जिला पंचायत से मिलने वाली योजनाओं का भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसी के चलते ग्रामीणों ने पंचायत कर लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ऐसा है जी, पहले भी हमने जिला पंचायत पर बहिष्कार कर रखा, न तो किसी जिला पंचायत ने आज तक कुछ कराया, न किसी सांसद ने कुछ कराया, न किसी विधायक ने कुछ कराया। जब से काम बचा आज लोग किसी ने कोई भी विकास का काम नहीं कराया। ऐसा है जी, जैसे हमने पहले भी बहिष्कार करा था, अगर जब जब कोई हमारा कोई विकास नहीं होगा तो आगे भी हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नाम ब्रजपाल है। आज किस मामले को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं? इकट्ठा इस मामले को लेकर हो रही है जी, पहले भी हमने जिला पंचायत का चुनाव बहिष्कार करा था, अब भी चुनाव आ रहा, किसी सांसद ने या किसी विधायक ने कोई हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं करवाया, ना कोई कोई विकास करवाया, तो इकट्ठा इस तरीके से हो रही है। एक बार आगे भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आने वाले चुनाव का बहिष्कार करोगे? बहिष्कार करेंगे, जब कोई सांसद कोई सुनाई नहीं करता, ना कोई विधायक करता। ठीक, मेरा नाम लोकेश कुमार है। लोकेश जी, किस बात को लेकर आज इकट्ठा हो रहे आप? इसलिए इकट्ठे हुए जी, हमारे गांव में पहले भी हमने बहिष्कार करा था जिला पंचायत का, कोई कार्य नहीं करता जिला पंचायत विधायक संसद, आज तक कोई कार्य नहीं किया हमारे गांव में। इसलिए हमारे गांव में ये मीटिंग रखी गई है, आने वाले चुनाव में बहिष्कार रखेंगे जो संसद का होगा। शेष चुनाव का बहिष्कार? बिल्कुल, शेष चुनाव का बहिष्कार करेंगे, विकास कार्य न होने की वजह से। हाँ जी, कार्य नहीं हो रहा कोई भी यहाँ पर।